नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। जब हम फोर की बात करते हैं टैरो कार्ड्स में, तो फोर स्टैंड करता है स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, एक पावर के लिए। एक स्क्वायर पोजीशन शो करती है, एक ऐसी पोजीशन शो करती है जहाँ पे जो है आप एक सेफ पोजीशन में हैं। और अगर आप कोई भी फोर का कार्ड देखेंगे, चाहे वो फोर ऑफ पेंटिकल्स हो, चाहे वो फोर ऑफ वॉन्ड्स हो, चाहे वो फोर ऑफ सॉर्ड्स हो, या फिर वो फोर ऑफ कप्स हो, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो चारों कार्ड जो हैं आपको स्टेबल आपको दिखेंगे। उसमें कोई नेगेटिविटी आपको नहीं दिखेगी, बल्कि आप ये देखिए कि फोर ऑफ सॉर्ड्स जो है अपने आप में जो है ऑलमोस्ट जो है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कार्ड, बट उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव मैसेज है। सो आज जिस कार्ड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। इट्स कॉल्ड दी फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स को समझने से पहले इसके कीवर्ड्स को जानेंगे। फोर ऑफ कप्स के कीवर्ड्स हैं फोकस्ड, क्लोज्ड, नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज, अटैचमेंट, डिफेंसिव। दीज आर सम कीवर्ड्स विच आर एसोसिएटेड विद दी फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स के पिक्चर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक आदमी जो है अपने आर्म्स को जो है फोल्ड करके बैठा हुआ है, और उसके आगे जो है तीन कप्स पड़े हुए हैं, और एक बादलों से जो है एक हाथ आते हुए एक कप उसको जो है ऑफर कर रहा है। पीछे जो है एक ट्री शो किया गया है, और वो ट्री जो है वो गोल्डन कलर का है। तो अब इसके जो है थोड़े गहरे मीनिंग में जाएंगे। जनरली जो है फोर ऑफ कप्स की जो अगर आप देखेंगे, अगर आप बुक्स के थ्रू जो है सजेशन लेंगे या फिर कहीं से भी इंटरनेट में देखेंगे, तो उनका जो है एक बहुत ही एक सेट मीनिंग है। वो बोलते हैं कि समथिंग इज़ बीइंग ऑफर्ड टू यू बट यू आर नॉट टेकिंग इट। इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। दूसरी जो है वो ये बात भी बोलते हैं कि इस इमेज को जो है वो कंपेयर करते हैं बुद्ध के साथ, कि भाई ये आदमी जो है बुद्ध की तरह जो है मेडिटेशन कर रहा है, और इसका सिर्फ फोकस जो है अपने लाइफ के ऊपर है, अपने ऊपर है, इसलिए इसके बाहर से कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो आ रही है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। दिस इज़ वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन विच इज़ ऑल्सो इन ऑन द इंटरनेट और ऑन द बुक्स, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। उसके पीछे जो है एक लॉजिकल रीज़न है, जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ आपसे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो आदमी है ये अपने हाथ जो है फोल्ड करके बैठा हुआ है। तो जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, आप अपने हार्ट चक्र को क्लोज नहीं कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग, द राइट वे इज़ your heart chakra has to be open. If your heart chakra is closed, you will not be able to meditate. आप try करके देख लीजिए ऐसे meditate करने के लिए आपसे meditation होगा ही नहीं। It's more of a posture of like closing yourself. अगर आप psychology में देखेंगे, जब भी आप अपने arms को जो है fold कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने heart area को, अपने emotional area को जो है block कर देते हैं। और meditation is all about opening ourselves to the divine, in which every chakra is open. तो आप बुद्ध के साथ तो इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते ये इस इमेज को। पीछे अगर हम देखते हैं जो एक जो ट्री है वो पूरा गोल्डन कलर का शो किया गया है। इट्स मोर लाइक यू नो दैट ये आदमी जो भी मांग रहा है इसको जो है कल्प वृक्ष की तरह जो है वो उसको मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब है ये आप ऐसा समझिए कि ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है और इसकी सारी इच्छाएँ जो भी ये चाह रहा है वो पूरी हो रही हैं। और फिलहाल के लिए उसकी वो जो तीन इच्छाएं हैं जो उसके सामने जो खड़ी हुई हैं, इससे ज़्यादा वो सोच नहीं पा रहा है। ये जो बादल के प्रतीक में जो है एक ये जो कप ऑफर कर रहा है, इट्स अ कप ऑफ विजडम विच इज़ बीइंग ऑफर्ड टू हिम विच ही इज़ नॉट टेकिंग इट। इस कहानी से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एक लकड़हारा जो है रोज़ जो है जंगल जाके जो है लकड़ी काटता था, और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते थे उससे जो है अपना गुजारा करता था। तो इस तरह से उसकी लाइफ जो है बीत रही थी। और लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ा और वो अपने घर पर ही था, और वो कहीं नहीं जा पाया, लकड़ी काटने नहीं जा पाया, तो इनकम उसकी जो है उस दिन की नहीं हो पाई, तो वो पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया, पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया तो खाने को उसको नहीं मिला। तो ऐसे ही जो है तीन चार दिन बीत गए और उसकी जो है हालत जो है और बिगड़ती गई। ये सब चीज़ जो है एक उसके घर के सामने एक साधु रहता था, वो देखता था। जिस दिन वो आदमी जो है थोड़ा बहुत ठीक महसूस कर रहा था, उस दिन जो है वो फ़कीर जो है वो घर आया और उसने कहा, जहाँ पे तू लकड़ी काटने जाता है वहाँ थोड़ा और अंदर जाइयो, हो सकता है तुझे कुछ बहुमूल्य जो है कुछ और मिल जाए। तो आदमी ने कहा, खैर जाना तो है ही मुझे लकड़ी काटने के लिए, तो फिर वो गया।
और जहाँ पे वो लकड़ी काटता था वो जैसा उस फकीर ने बोला था वो थोड़ा और अंदर चला गया और उसको जो है एक सोने की खान जो है वहाँ पे मिल गई। उसकी तो एक तरह से लॉटरी निकल गई और अब जो है उसको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी क्योंकि एक बार चले जाता था तो 6 महीने जो है उसका आराम से बीत जाते थे। फकीर जो है दोबारा से उसके द्वारा उसने बोला बेटा सोने की खान पे अटको मत, थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हें कुछ और भी अच्छा मिल सकता है। खैर उसको फ़कीर के ऊपर यकीन था तो वह और अंदर गया और इस बार जो है उसको हीरो की खान मिल गई। बस अब तो सालों उसको जाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना धन उसके पास हो गया था। ये सब कुछ जो है फ़कीर देखता था लेकिन फ़कीर रुका नहीं। फ़कीर दोबारा से उसके पास आया, उसने बोला बेटा तू हीरो से सेटिस्फाई हो गया, तेरे को मैं इससे भी ज़्यादा कुछ देना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा और आगे जा। उस आदमी ने कहा भी अब ज़रूरत क्या है, इतना मिल गया, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी मोर, आप प्लीज़ जो है आपने जो है बहुत मुझे दे दिया, मुझे और नहीं चाहिए। बोलते हैं चल मेरे कहने पर आखिरी बार चला जा। तो खैर फ़कीर के ऊपर उसको ट्रस्ट था तो वो गया। जब और अंदर गया तो वहाँ पर जो है फ़कीर जो है ध्यान करते हुए मिला, तो आदमी जो है बड़ा सरप्राइज हुआ, उसने बोला अरे आप यहाँ पे, आप तो कह रहे थे इससे कुछ ज़्यादा बहुमूल्य मिलेगा। तो फ़कीर ने कहा कि अब जो है मैं तेरे को वो बहुमूल्य चीज़ दे सकता हूँ और वो बहुमूल्य चीज़ है ध्यान। तो यहाँ पे भी जो अगर आप इस स्टोरी के साथ अगर आप रिलेट करेंगे तो यहाँ पे जो है उस जो एक कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठा हुआ है उसकी सारी इच्छाएँ जो हैं वो पूरी होती आई हैं और अभी वो जो है बहुत ज़्यादा जो है फोकस वो उन्हीं की चीज़ों के ऊपर हो गया जो उसको मिल गया है। अब जो उसको और मिल सकता है वो उसकी तरफ वो देख ही नहीं रहा। फोर ऑफ कप्स को आप जो है थ्री ऑफ कप्स के जो है कॉन्टिन्यूशन में अगर आप समझेंगे तो आप ये भी समझेंगे कि थ्री ऑफ कप्स जो है वो एक तरह की एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। एक थ्री की जो सेलिब्रेशन शुरू हुई वो फोर तक पहुँची और फोर के अंदर जो है एक अटैचमेंट शो करती है। जो फोर जो तीन कप्स जो उसके आगे पड़े हुए हैं वो स्टैंड करते हैं इमोशंस के लिए, लव के लिए और रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये कार्ड्स हैं कप्स के एंड ही इज़ लाइक टू फोकस। और ये जो हाथ जो ऑफर हो रहा है ये हाथ जो है कहीं ना कहीं उसको जो है रियलाइज़ कराने के लिए, उसको समथिंग मोर, उसको जो है कुछ ज़्यादा ऑथेंटिक उसको देने के लिए है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और ध्यान नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो गई है, अटैचमेंट हो गई है तो उसके रिजल्ट जो है आपको जो है नेक्स्ट कार्ड में शो करता है। और फाइव ऑफ कप्स में हम देख सकते हैं यही सेम आदमी जो है एक बहुत ही एक सैड पोजीशन में शो किया गया है। ये तीन कप्स जिसकी तरफ उसका इतना फोकस था वो तीन कप्स जो हैं वो उसकी लाइफ से जा चुकी है। ये स्पीच जो है लेकिन लाइफ रुकी नहीं, एक कप जो है उसको फोर ऑफ कप्स में ऑफर किया जा रहा था और एक और कप जो है वो फाइव ऑफ कप्स में आ गया पोजीशन, और अभी भी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उन दो नए कप्स को देख सके जो उसको मिल चुके हैं। तो जब भी आपकी रीडिंग में जो है फोर ऑफ कप्स आ रहा है वो आपको कहीं ना कहीं जो है आगाह करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको जो है थोड़ा हिलाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा है कि यू आर इन अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट, आप जो है एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेट पर हैं इस वक्त जो है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप थोड़ा सा बियॉन्ड देख सकें, और क्योंकि फोर ऑफ कप्स के अंदर जो है एक सजेशन आ रहा है कि आप जो है एक ऐसे सजेशन को देख सकें जो आपकी तरफ जो है आ रहा है, आप एक ऐसे व्यू पॉइंट को देख सकें जो आपकी तरफ आ रहा है। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली सिग्निफाइड इन द फोर ऑफ कप्स। तो ये आदमी जो है फोर ऑफ कप्स में जो है इज़ लाइक टू क्लोज्ड, ये बहुत बंद होके बैठा हुआ है और जिसकी वजह से नए आइडियाज़ इसके पास नहीं आ रहे हैं और जिसकी वजह से जो लाइफ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही है। सो इट्स ब्यूटिफुल टू हैव फोर ऑफ कप्स इन योर लाइफ फुलफिल्ड, इट्स ब्यूटिफुल टू हैव दोज डिज़ायर फुलफिल्ड बिकॉज यू आर सिटिंग अंडर द कप वृक्ष। जो कि आप देख सकते हैं इस कार्ड के अंदर कि ये आदमी जो है कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और कल्प वृक्ष के नीचे जो है इसने ध्यान से यात्रा शुरू करी थी लेकिन ये रुक गया, और रुक गया उसका सबूत यही है क्योंकि उसने अपना जो है हार्ट चक्र क्लोज कर रखा है। जब भी आप ध्यान की यात्रा जो है आप करेंगे, आप ऊपर की तरफ आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तब आपके जो है आपकी यात्रा जो है हार्ट चक्र के बाद शुरू होती है, लेकिन क्योंकि इसने जो है अपने हार्ट चक्र को बंद कर दिया जिसकी वजह से जो उसकी यात्रा है वो नीचे के चक्रास में ही रह गई है। तो इसलिए लाइफ आपको क्या मैसेज देती है, लाइफ आपको ये मैसेज देती है इस कार्ड के थ्रू
कि आपको जो भी मिल रहा है उसमें आप इंजॉय करिए, लेकिन रुकिए मत. लाइफ हैज़ सो मच टू ऑफर यू एंड इट इज़ रेडी टू गिव यू मोर एंड मोर. ओनली इफ यू आर रेडी टू रिसीव इट, ओनली इफ यू आर ओपन टू इट, दैट इज़ वॉट द फोर ऑफ कप्स इज ट्राइंग टू टेल अस हियर. एंड जाते जाते एक एक कोट जो कि मैंने फोर ऑफ कप्स के लिए जो है चूज करा है, वो कोट इस तरह से है. ये कोट है एस एन गोयनका का. वो कहते हैं, लव विद अटैचमेंट कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ इमोशंस यूजली क्रिएटिंग इनविजिबल आयरन चेन्स. तो मोह के धागे जो अटैचमेंट हैं, जो हमारे इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, जो कि हमारे लव के अटैचमेंट हैं, जो कि हमारे रिलेशनशिप के अटैचमेंट हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं और होने भी चाहिए लाइफ में. लेकिन आप जितने ज़्यादा उसमें अटैच होते हैं, उतना जो है आप जो है बन जाते हैं उसके साथ. एक इनविजिबल चेन्स है जो कि आपको बांध लेती हैं. तो जब आप लव में जा रहे हैं, ऑफकोर्स यू हैव टू लिव दोज इमोशंस, यू हैव टू लिव दैट रिलेशनशिप. अटैचमेंट भी होगी, पेन भी होगा, ये सब चीज़ें होंगी. लेकिन वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट यू हैव दिस डीप अंडरस्टैंडिंग दैट दिस टू शैल पास, दिस ऑल्सो चेंजेस इन टू अ प्रोसेस, दिस ऑल्सो ग्रोज, दिस ग्रोज इन टू समथिंग एल्स. तो बीज जब बड़ा हो रहा है तो वो प्लांट बन रहा है, उसके बाद ट्री बनेगा. तो एक यात्रा है, उस यात्रा को जो है उसके उसको सपोर्ट करना है, उसके साथ जाना है, उसके साथ. अगर आप अटक गए बीच में तो आप कभी भी वृक्ष नहीं हो पाएंगे. सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू विच इज़ कमिंग थ्रू फोर ऑफ कप्स. आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग. मैं आपको मिलूँगा अपनी नई वीडियो के अंदर. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी जॉयस एंड ऑलवेज सेलिब्रेट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.